फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल, मैं हूँ किरण और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर से आप लोग के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वाला मैंने मेकअप का लुक क्रिएट किया है, इसका भी वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप किरण शंकर चैनल पे जाकर के देखिए, आपको मेकअप की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। मेकअप ट्यूटोरियल्स, हर तरह के मेकअप ट्यूटोरियल्स का आपको वीडियोस मिलेगा किरण शंकर चैनल पे। तो आज इस वाले चैनल पे आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनता है। इमली की चटनी हम अक्सर समोसा, कचौड़ी और भी बहुत सारे चाट पकौड़े बनते हैं जिसके साथ हमें खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन बहुत लोगों को इमली की चटनी बनाने नहीं आती है। आज मैं बिल्कुल हलवाई के स्टाइल में खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाने जा रही हूँ, और होली पे अक्सर लोग इसे बनाते हैं, दही बड़े के साथ बनाते हैं, तो आज मैं आप लोग सामने वही बताने जा रही हूँ। तो वीडियो की चलती हूँ। वीडियो में ये देखिए, मैंने 200 ग्राम इमली को 15 से 20 मिनट तक गर्म पानी में भिंगो करके रखा था, और उसके बाद इसे अच्छे से निचोड़ करके उसका पल्प निकाल लिया है। पल्प निकालने के लिए बड़ी सी छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने 2 बड़े कप जो है मैंने चीनी लिया है, और 1 छोटा कप मैंने ये देखिए मीठा लिया है, गुड़ लिया है। आप मीठा थोड़ा सा कम और ज़्यादा रख सकते हैं, टेस्ट करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा और कम। मसालों के रूप में ये देखिए मैंने लिया है, ये काला नमक लिया है 1 बड़े चम्मच। उसके बाद ये है जिंजर पाउडर यानी कि आधी का पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, रोस्टेड जीरा आधा चम्मच। उसके बाद ये लिया मैंने चाट मसाला 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, और उजले वाला नमक 1 चम्मच, सौंफ आधा चम्मच, और ये है वाटरमेलन सीड्स लगभग 1 से 1.5 चम्मच। इतना मसाला लेने के बाद इसे हमें ऐड करना है चटनी बनाने के टाइम पे। तो चलते चटनी बनाने के लिए, एक कढ़ाई ले लें, उसमें आप जितना आपने पल्प निकाला है इमली का उसे आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद इसमें हमें चीनी और शक्कर जो भी हमने लिया है गुड़, उसे भी इसमें ऐड कर दीजिए। इमली एक ऐसा खासियत होता है इसके अंदर कि इसे आप बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं इमली की चटनी को, और बहुत सारे चीज़ों में से खाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीनी और गुड़ मिलाने के बाद इसे हमें अच्छे से पकाना है, जब तक कि हमारा चीनी और गुड़ अच्छे से मिक्स ना हो जाए, गल ना जाए, तब तक इसे हमें तेज फ्लेम पे, तेज आंच पे इसे पकाना है। बीच बीच में चलाते रहें, इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो जल सकता है नीचे से। तो ये देखिए हमारा लगभग धीरे धीरे ये गलने लगा है, पिघलने लगा है, तो इसे और कंटिन्यू लगभग 2 मिनट तक इसे हमें तेज आंच पे पकाना है, जब तक चीनी और गुड़ पिघल ना जाए। कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पर बहुत ही ध्यान के साथ बनाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो ये देखिए हमारा 5 मिनट के बाद लगभग चीनी और गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, तो इसमें अब हमें ऐड करना है जितने भी हमने मसाले लिए हैं, वो सारे मसाले को इसमें आप डाल दीजिए। काला नमक, उजला नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, सौंफ, चाट मसाला, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जितने भी आपने मसाले लिए हैं सारे इसमें मिक्स कर दीजिए, और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स करिए। अभी गैस को थोड़ा सा कम कर लीजिए, फ्लेम को थोड़ा कम कर लीजिए। कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है।
5 से 10 मिनट तक इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, जब इसका थिकनेस थोड़ा सा पता चलने लगेगा कि चटनी के जैसा हो गया है तो हम गैस को बंद कर देंगे। काफ़ी अच्छे से सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, तो इसे हमें कंटिन्यू पकाना है। 5 से 10 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाइए। ये देखिए थिकनेस लगभग हो चुका है इसके अंदर, इसे फिर भी हमें 2 मिनट तक और पकाना है। ठंडा होने के बाद ये ऑलरेडी ज़्यादा थिक हो जाता है, इसलिए ज़्यादा देर ना पकाएं। थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए कि इसके अंदर का जो मीठापन है वो ज़्यादा मीठा है कि खट्टा है। अगर खट्टा रहेगा तो थोड़ा सा चीनी की मात्रा आप ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे। थोड़ा देर और पकाइए, लगभग 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा थिक हो चुका है। गैस मैंने बंद कर दिया है, अगर फ्रिज में रखिएगा तो ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं, सर्व करने के लिए एक बड़े से बाउल में निकाल लें। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के साथ इमली की चटनी खाई जाती है, दही बड़े के साथ समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत सारा आइटम होता है जिसके साथ इमली की चटनी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो ये देखिए मैंने एक बाउल में इसे सर्व करने के लिए निकाला है, काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यम्मी दिख रहा है इमली की चटनी, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। आप अपने घर पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और इसे आप अपने फ्रिज में स्टोर करके लंबे समय तक रख सकते हैं। 3 महीना 4 महीना 6-6 महीने तक लोग इसे स्टोर करके फ्रिज में रखते हैं, और कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो होली पे आप इसे दही बर्रे के साथ ज़रूर सर्व कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।